अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इन लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर सर्वर को स्विच ऑफ कर दें तो उसको दोबारा से रीबूट करने में इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो वो बंद हो गया, रजिस्ट्रेशन रुक गया, लोग परेशान हो रहे, तो उस पर कंप्लेंट इन्होंने JNU अथॉरिटीज ने पुलिस को दिया था, जिसमें कि FIR नंबर 3 रजिस्टर होता है। बाद में ये जो केस रजिस्टर हुआ है, ये असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और सेक्शन 3 लगा है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसमें वो नाम लिखे हैं FIR में, 8 नाम है, आप लोग के पास FIR की कॉपी, आप लोग को भी पता है। तो ये इन्होंने रोक दिया, पर JNU अथॉरिटीज ने क्या किया, 2-2.5 घंटे उनके टेक्नीशियंस लगे एंड दे वर एबल टू रिस्टोर दी ऑनलाइन सिस्टम। जब वो रिस्टोर हो गया तो फिर अगेन दीज 4 ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, दे थॉट कि यार ये तो फिर से ऑनलाइन हो गया, तो उनका जो इश्यूज थे वो अनरिजॉल्व रह गए। तो अब हम 4 तारीख पे आते हैं। 4 तारीख को क्या किया, 4 तारीख को सवेरे इन्होंने कोशिश की थोड़ा सा उसको धक्का मुक्का देने की, तो क्योंकि 3 तारीख को हो गया था, 4 तारीख को द अथॉरिटीज वर बेटर प्रिपेयर्ड, तो अंदर ये लोग उस तरह से नहीं कर पाए। बट दोपहर में आई बीन टू द प्लेस, हमने FSL की टीम भी बुलाई वहां पे, उसके पीछे एक शीशे का दरवाजा है, शीशा एल्यूमिनियम का दरवाजा है, वहां से कुछ मिस्क्रिएंट्स अंदर घुसते हैं दरवाजा तोड़ के एंड दे हैव डैमेज दिस सर्वर टोटली। मतलब वो इतना डैमेज हो गया कि अभी दो कल मेरे ख्याल वो चालू हुआ है, तो उसमें काफी नुकसान भी हुआ अथॉरिटीज का, तो वो डैमेज कर दिया उन्होंने क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो वहाँ सारे बच्चे भी परेशान और अथॉरिटीज परेशान, सारा प्रोसेस रुक गया। इसके बाद मतलब इतना, मतलब दिस इज सरकारी संपत्ति का नुकसान। इसमें भी जो FIR नंबर 4 हुआ है, इसका मैं आपको बताता हूँ, इसमें सेक्शन यही लगे हैं, इन्होंने सवेरे जो एक्चुअली कंटिन्यूएशन में ऑफेंस, सवेरे कोशिश किया उन्होंने धक्का मुक्की करने का, बाद में जाके डैमेज किया, तो सेक्शन 3 दोबारा से इसमें लगाया। तो इसका एक और कंप्लेन किया जो कि लोकल पुलिस के पास गया, उन्होंने थोड़ी इंक्वायरी की एंड देन दे रजिस्टर्ड अ केस ऑन दिस। तो ये 4 तारीख का हो गया। तो ये 3-4 से ये इनका, ये चारों ऑर्गेनाइजेशंस का, विच आर पार्ट ऑफ द JNU स्टूडेंट्स यूनियन, इन लोग का अथॉरिटीज के साथ में, बाकी स्टूडेंट्स के साथ में इन लोग का चल रहा था। अब 5 तारीख को हम लोग सवेरे की बात मैं बताता हूँ आपको, 11:30 बजे 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि रजिस्टर करने के लिए बेचारे परेशान हो रहे थे, तो वो जाके एक बेंच पे बैठे हुए थे, दिस इज स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के सामने। तो वहाँ पे एक ग्रुप आया और उन्होंने इनको घेर के, पहले तो कहा सुनी हुई, देन इट एक्चुअली रिजल्टेड इन ऑल्टरकेशन, फिर उनको पीटा गया। वहाँ का जो सिक्योरिटी स्टाफ था, आउटसोर्स सिक्योरिटी, साइक्लॉप्स के उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन लोगों से भी हमने बात किया, तो वो लोग गए उनको बीच बचाव करने के लिए, तो उनको भी चोटें आई। तो दिस इज 5 तारीख का 11:30 बजे का इंसिडेंट है। नाउ ये तो चलो बीच बचाव करके छोड़ा दिया, तो उसके बाद हम लोग 3:45 पे आते हैं दोपहर में। 3:45 में यही 4 ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, ये लोग, मतलब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा इनकी तस्वीरें भी, हमने कुछ आइडेंटिफाई किए, ये लोग ने जाके पेरियार हॉस्टल जो है वहां जाके अटैक किया, और दे वर मफल्ड फेसेस, और उसमें सम मेंबर्स ऑफ द JNU SU वर ऑल्सो देयर, इनफैक्ट देयर प्रेसिडेंट वॉज ऑल्सो देयर विच इज कॉटन कैमरा। तो ये लोग जाके वहां पे, वहां चोटें भी आई हैं लोगों को, और काफी झगड़ा वगैरह हुआ, फिर पुलिस वहां पहुंची है, और प्लेन क्लोज में कुछ पुलिस वाले वहां पे थे भी। और ये जब हम लोग कर ही रहे थे, आपने FIR नंबर 6 भी आप लोगों ने सबने पढ़ी है, इसमें FIR नंबर 6 बाद में दर्ज होती है, तो उसमें टीचर्स ने काफी इसमें हेल्प किया लोकल पुलिस की, और टीचर्स बीच में आए, जो इनका जो JNU टीचर्स एसोसिएशन है उनके लोग ने हेल्प किया, और यहाँ जिनको चोट लगी थी उनको हम लोग एम्स ट्रॉमा सेंटर और सदरजंग हॉस्पिटल ले गए। इसमें भी ये देखा गया था, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इट इज ओनली 4 डेज, कि स्पेसिफिक रूम्स वर टारगेटेड इनसाइड द हॉस्टल, पेरियार हॉस्टल में। तो उनको जब ये कर रही, मतलब हॉस्पिटल ले जा रहे थे, ला रहे थे, इसी बीच में ये पीस मीटिंग हुई है, जिसमें ये टीचर्स और स्टूडेंट
उसमें बता रहे हैं 120 130 150 के आसपास बच्चे और टीचर्स, वहाँ पे एक टी पॉइंट बनता है साबरमती टी पॉइंट, वहाँ ये लोग इकट्ठे होके पीस मीटिंग कर रहे थे। न्यूट्रल एरिया नाइस हॉस्टल में, नाउस हॉस्टल में, दोनों हॉस्टल्स के बीच में ये एक जगह पड़ती है। तो वहाँ ये पीस मीटिंग हो रही थी और अचानक से एक ग्रुप आता है स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट्स भी हम लोग वैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसमें एक ग्रुप आया एंड देवर ऑल्सो मफल्ड फेस और इनके हाथों में डंडे वंडे थे। उन्होंने पहले यहाँ इन लोग के साथ थोड़ा झगड़ा किया और फिर वो साबरमती हॉस्टल में घुस गए। एंड दिस ऑल्सो वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक, मतलब हर कमरे को जाके उन्होंने नॉक नहीं किया, देवर दे न्यू कि कौन कौन से कमरे में जाना है। तो दोनों पेरियार और साबरमती दोनों में लॉट ऑफ इंटरनल एलिमेंट। अब मेरे को चार दिन हो गए हैं जेएनयू में, मेरा मैं अभी भी रास्ता भूल जाता हूँ। तो वहाँ बाहर वाले के लिए बड़ा मुश्किल है, इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स, स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स। और अंदर आप सोचिए 7 बजे का अगर ये टाइम है, 7 बजे वहाँ पे हल्का सा अंधेरा भी हो जाता है और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट ये सर। पर ये लोग स्पेसिफिकली इनमें गए, थोड़ा बहुत स्पिल ओवर नर्मदा में भी हुआ है। तो इसमें हम लोग ने राइटिंग और वही सेक्शन तो तोड़फोड़ हुई है, तो सेक्शन 3 लगाया इसमें, तो उसका केस दर्ज हुआ। ये 3 केसेस हैं। तो मेरे पास जो SIT है वो 3 केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो मेरी SIT में 3 ACP और 60 ऑफिसर हैं हम लोग। तो वी हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट, वी हैव स्पोकन टू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स।